कि यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये बैठने की बनी हुई है, आप आराम से। टिकट वगैरह टिकट लग सके पहले कहाँ जा सकते हैं, पहले यहाँ या फ्लावर ब्रिज? तुम्हारी इच्छा। तो ये है यार अटल ब्रिज का नाइट व्यू, पूरी लाइट कंप्लीट हो चुकी है एंड अंधेरा भी हो चुका। ब्रिज ऑटो वाले ने मुझे यहीं छोड़ दिया क्योंकि अंदर ऑटो जाना अलाउड नहीं है, तो मुझे दिख गया यहीं से पास में ही है, तो वहाँ तक चलेंगे पैदल एंड एक्सप्लोर करेंगे अटल ब्रिज। ये सिर्फ पार्किंग के लिए है ऊपर तक शायद, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पर। तो लोग यहाँ बाइक लेकर के कार लेकर के जो भी आते हैं वो अंदर पार्क करते फिर यहाँ से घूमने जाते हैं। अटल ब्रिज गांधी आश्रम से मुझे आने में 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ऑटो वाले ने 150 रुपये ले लिए, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ले लिया, 100 रुपये बनना चाहिए था बट 150 ले लिया। खैर कोई बात नहीं, अब तो पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से हम देखेंगे सनसेट के व्यू। हमने कर लिया रोड क्रॉस, यहीं सामने से यहीं से एंट्री है। जो पार्किंग वाले हैं वो इस ब्रिज से आ सकते हैं, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके इस ब्रिज से होते हुए जा सकते हैं। हम आ गए ये साइड नीचे से जेब्रा क्रॉसिंग करते हुए, चलते हैं अटल ब्रिज की तरफ। एंड ये है एंट्रेंस अटल ब्रिज का, रिवर फ्रंट FL, अच्छा रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क लिखे। काफ़ी सुंदर सा है। टिकट विंडो इस साइड है, वे टू गार्डन इस साइड, अंदर जाने के लिए साइड टिकट लगती है, मैं इधर से ले लेता हूँ टिकट, पता नहीं कितने की है। तो ये है टिकट काउंटर, देखते हैं क्या फेयर है टिकट की। फ्लावर पार्क प्लस अटल ब्रिज 40 रुपीज़, सिर्फ अटल ब्रिज का 30 रुपीज़ एंड सिर्फ फ्लावर पार्क का 20 रुपीज़। तो मैं दोनों ही ले लेता हूँ, दोनों ही कवर कर लूँगा, 40 प्लस 30। बेहतरीन व्यू है ये अटल ब्रिज का एंड ये साबरमती रिवर के ऊपर बनी हुई है व्यू, एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने टिकट ले लिया 40 रुपीज़ की, मैं इस पर एंटर करूँगा एंड एक्सप्लोर करूँगा। एंड मैं इस साइड से आया था, ये है एंट्री इसकी। टिकट वगैरह टिकट लग सके ना? पहले कहाँ जा सकते हैं, पहले यहाँ या फ्लावर ब्रिज? तुम्हारी इच्छा। ओके ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया अटल ब्रिज। काफ़ी बेहतरीन व्यू है, लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं। ओके यहाँ से आप नीचे भी उतर सकते हो, मैं उतरूँगा नीचे, पहले मैं सामने से होते हुए आ जाऊँ, उसके बाद नीचे भी चलेंगे और आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर कार बाइक कुछ भी अलाउड नहीं है गाइज, यहाँ से आप पैदल आ सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। मैं वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ और मैं लेता हूँ आईफोन से कुछ फ़ोटोज़ यहाँ की इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। चुका हूँ अटल ब्रिज के ऊपर ही एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो साबरमती रिवर एंड ये है पूरा अटल ब्रिज का व्यू। काफ़ी बेहतरीन है एंड काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं। एक तो अहमदाबाद शहर बहुत ही क्लीन लगा मुझे, बहुत ही क्लीन, रोड वगैरह बहुत ही क्लीन है यहाँ पर एंड सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। तो ये अब तक का मेरा बेस्ट सिटी में से ये एक है एंड ये फर्स्ट टाइम मैं हूँ गुजरात में, आज से पहले मैं गुजरात कभी नहीं आया, आगे भी मैं गुजरात कवर करूँगा, कच्छ वगैरह
कच्छ, वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, जो हवा चलने से ये घूमती है, ऊपर आप देख सकते हो, ये पूरा साबरमती रिवर का व्यू है इस साइड भी। यहाँ सामने कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है, क्रूज वगैरह वहाँ मुझे दिख रही है। यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ये बैठने की बनी हुई है, आप आराम से यहाँ बैठ करके टाइम पास कर सकते हो। एंड यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रही है, यहाँ स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं एंड म्यूज़िक कुछ रहा है, ये नाइट में और भी अच्छा लगता होगा। मैं आपको यहाँ पर सनसेट के बाद कभी व्यू दिखाऊंगा कहीं से, जहाँ से ये पूरी ब्रिज नज़र आती होगी। तो अभी सनसेट होने में आधे घंटे हैं, 6:50 के आसपास यहाँ सनसेट होती है। बाकी साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये पड़े हुए हैं, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई के लिए लोग खड़े ही हैं। आप गाने सुन सकते हो, हर जगह गाने बज रहे हैं। ये जो स्पीकर पे आप गाने सुन रहे हो वो इस ब्रिज में ही इंस्टॉल्ड है, कोई लोग यहाँ नहीं बजा रहे हैं, हो रहा है। एंड आप ये सॉन्ग सुन भी सकते हो, बॉस की स्पीकर है। तो मैं एक बार आपको इस टिकट भी दिखा देता हूँ, 40 रुपीज़ पड़ रहे हैं दोनों जगह के, ये ब्रिज एंड पार्क के। एंड ये वैलिड है 30 मिनट्स के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 30 मिनट्स के लिए आप इस टिकट पे इस पर घूम सकते हो। बाकी ये ओवर ब्रिज का एंड है, तो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा एंड उसके बाद जाऊँगा फ्लावर पार्क। यहाँ से नीचे भी उतर सकते बट मैं यहाँ से नहीं उतरूँगा, अच्छा यहाँ से लॉक है वैसे, उतर भी नहीं सकता, आगे वाले से मैं नीचे आऊँगा। यहाँ से भी लॉक है, आप नीचे नहीं जा सकते। ये वाला भी गेट लॉक है, आप बाहर नहीं जा सकते, बट आप देख सकते हो साबरमती रिवर। बस यही था, अब हम चलते हैं फ्लावर पार्क, फ्लावर पार्क में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से लेता हूँ एग्ज़िट एंड फ्लावर पार्क चलेंगे। यहाँ पर आप सुन सकते हैं म्यूज़िक बज रही है। तो यह है फ्लावर पार्क की एंट्री, यहाँ से मैं एंटर करूँगा। थैंक यू। तो मैंने कर लिया फ्लावर पार्क पे एंट्री एंड देखते हैं कौन कौन से फ्लावर है यहाँ। ये जो मैंने आपको पार्किंग दिखाई थी, ये पार्किंग का बिल्डिंग है, यहाँ पर लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, कितना बड़ा बना करके रखा है। ये है फ्लावर, यहाँ बहुत सारे फ्लावर लगी हुई है, देखते हैं आगे और क्या क्या है एक्सप्लोर करने को। अटल ब्रिज की साइड व्यू एंड ये काफ़ी सुंदर है। एंड सनसेट के बाद यहाँ पर लाइटें भी जलती है इस ब्रिज में, तो वो तो और ही बहुत ही सुंदर दिखता है। ये ऊपर से जा रही है फ्लाइट अटल ब्रिज। तो अभी मैं हूँ फ्लावर पार्क में, आप देख सकते हो इतने बड़े चेस बोर्ड, बहुत ही बड़ा सा चेस बोर्ड यहाँ बना है, आप खेल भी सकते हो इस पे चेस। ब्रिज का तो ये है, इस ब्रिज का साइड व्यू, मैं इस साइड से नीचे आ गया था इस ब्रिज का व्यू लेने के लिए। अब मैं सनसेट तक मैं यहाँ पर वेट करूँगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा सनसेट में, 10-15 मिनट्स बचे, उसके बाद देखते हैं कि इसकी लाइट ऑन होती है नहीं। अगर लाइट ऑन होगी उसके बाद मैं एक व्यू लाइट ऑन होने के बाद की भी शूट करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा, बट ये काफ़ी अच्छा व्यू है। तो ये है पूरा साबरमती रिवर एंड इसके ऊपर ये बनी है ब्रिज, बाकी वो व्हीकल वाली कार बाइक साइकिल वाली वो ब्रिज है, उस पर आपसे पैदल आ सकते हो। एंट्री फीस वगैरह मैंने आपको सारा कुछ स्टार्टिंग में बता दिया है। काफ़ी अच्छा व्यू है अहमदाबाद का, तो बेस्ट है।
तो ये लाइट जलना स्टार्ट हो गया इस ब्रिज पे, एंड अभी कंप्लीट नाइट हुई नहीं है, पूरा अंधेरा हुआ नहीं है। पूरा अंधेरा होने के बाद ये और भी सुंदर दिखेगी, तो मैं भी कुछ देर और रुका हूँ यहाँ पर। जब कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा एंड इसकी लाइटें कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर मैं और शूट करूँगा इसे। तो ये है यार अटल ब्रिज का नाइट व्यू, पूरी लाइट कंप्लीट हो चुकी है एंड अंधेरा भी हो चुका। एंड ये आप क्रूज़ देख रहे हैं, इस पर टाइटैनिक का सॉन्ग प्ले हो रहा है, काफ़ी धीमी धीमी से ये क्रूज़ यहाँ से पास कर रही है। मैं पता करूँगा, अगर वो बुक मैं कर सकता हूँ तो एक दिन उस पर भी कर सकते हैं, कल या परसों। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है, ये अटल ब्रिज का व्यू नाइट का। मैं बिल्कुल यहाँ साइड पे हूँ, यहाँ बैठने की सब कुछ जगह बनी हुई है, आप यहाँ आकर के बैठ सकते हो। यहाँ पर यहाँ के लिए कोई टिकट नहीं है, लोग यहाँ साइकिल चला रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन व्यू है।